हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट आवर सिविक्स चैप्टर 2, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, स्टेरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिस। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, इनइक्वालिटी असमानता, स्टेरियोटाइप्स मीन्स रूढ़िबद्धता एंड प्रेजुडिस मीन्स पूर्व धारणा। वी विल डिस्कस अबाउट दिस वर्ड्स इन दिस चैप्टर इन डिटेल। फर्स्टली स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव क्या है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू ट्रीटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल लेस फेवरेबली देन अदर्स। भेदभाव क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स जो लोगों का समूह है या कोई भी ग्रुप है पीपल का, उनके साथ व्यवहार करना, उन ग्रुप के पीपल में से कुछ लोगों के साथ असमान व्यवहार करना, उनको कम इम्पोर्टेंस देना दूसरे की अपेक्षा, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या है, भेदभाव। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, दिस मे बी बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर, उनकी स्किन के कलर की वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, जेंडर लिंग की वजह से भी हो सकता है, अगर बॉय है और गर्ल के बीच में अगर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, नेशनलिटी की वजह से, उनके रिलीजन की वजह से, धर्म की वजह से, उनके कल्चर की वजह से, उनके स्टेटस की वजह से और उनकी एज की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का। In most cases, people who are discriminated against, some are not allowed to participate in events. कई बार क्या होता है, उन लोगों को जिनके साथ discrimination किया जा रहा है, उनको participate नहीं किया जाता उनको किसी event में। कई बार क्या होता है, उन लोगों को exclude किया जाता है from jobs से and clubs से, उनके काम से बाहर निकाल दिया जाता है। Some are attacked and beaten, कई बार उन्हें मारा पीटा भी जाता है। And some are not given promotion or unfairly paid less for doing the same work, कई बार क्या होता है, उन्हें सेम कार्य करने के बाद भी, जैसे और पर्सन भी कर रहा है और वो भी वैसा ही काम कर रहा है उसी पोस्ट पर, लेकिन उन्हें कम सैलरी दी जाती है, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। और कई बार उन्हें प्रमोशन भी नहीं मिलती है उनकी जॉब में, तो दिस इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन। और उन्हें कई बार क्या होता है, मंदिर में, सेम मंदिर में पूजा करने के लिए भी नहीं जाने दिया जाता, दिस इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन। गॉट इट। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो अबाउट द रीजंस फॉर डिस्क्रिमिनेशन। अब आपको ये जानना होगा कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के कारण क्या है, किस रीजन से वो किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, अच्छे से जानने के लिए, क्या चीज़ उनको डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती है, उसको जानने के लिए आपको टू टर्म्स को जानना जरूरी है। फर्स्ट इज स्टेरियोटाइप्स एंड सेकंड इज प्रेजुडिस। स्टेरियोटाइप्स मीन्स रूढ़िबद्धता एंड प्रेजुडिस मीन्स पूर्व धारणा। फर्स्ट वी विल डिस्कस स्टेरियोटाइप मीन्स रूढ़िबद्धता। अ स्टेरियोटाइप इज अ फिक्स्ड आइडिया और बिलीफ अबाउट अ स्पेसिफिक ग्रुप, इंडिविजुअल और अ थिंग दैट इज बेस्ड ऑन प्रायर अजम्पशन। रूढ़िबद्धता क्या है, कि अपने विचार को फिक्स कर लेना किसी भी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए या फिर कोई भी एक ग्रुप के लिए। और ये किस पर आधारित होती है, हमारी प्रायर अजम्पशन पर ही, जो हमारी पूर्व पहले से ही जो हमने धारणा सी बनाई होती है उस पर ही, लेकिन उस आइडियाज़ को हमने फिक्स कर लिया होता है अपने माइंड में कि ये व्यक्ति ऐसा ही है। वो धारणा कैसी भी हो सकती है, किसी के रिलीजन को लेके हो सकती है, उसके नेशन को लेके हो सकती है, उसके राष्ट्र को लेके। कई बार हम सोचते हैं कि इस धर्म के लोग ऐसे ही होंगे, तो ये हमने हमारे माइंड में सेट किया होता है, ऑलरेडी हमारे माइंड में फिक्स्ड कर रखा है कि ये व्यक्ति ऐसा ही है। और वो हमेशा हमारे ग्रुप में मीन्स कोई चेंजेस नहीं होती है उसके लिए, कुछ जाति के लिए भी कई बार माइंड सेट कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी, कई बार क्या होता है, आपके फ्रेंड के साथ आपकी कोई बात होगी, बाद में आप उसे सेट कर लेते हैं माइंड में कि हाँ ये ऐसा ही है, उसके लिए मतलब माइंड में आइडिया फिक्स कर लेना कि ये पर्सन ऐसा ही है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। इफ़ यू से दैट अफ्रीकन्स आर गुड एट स्पोर्ट्स, यू स्टीरियोटाइप देम Because you are indicating that everyone of that race is a good athlete. यदि तुम कहते हो कि जो अफ्रीकन्स हैं वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, खेल में, तो आप उनको क्या कर रहे हैं, रूढ़िबद्ध कर रहे हैं, उनको उसी एक स्पेशल इंडिकेट कर रहे हैं उसी रेस को, अफ्रीकन्स को, कि वो ही पर्सन जो है वो गुड एथलीट है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल, इफ़ यू से दैट वीमेन आर गुड होम मेकर्स एंड बैड ड्राइवर्स,
यदि तुम कहते हो कि जो औरतें हैं वो अच्छा घर चला सकती है, गुड होम मेकर है, बट बैड ड्राइवर है, तो आप क्या कर रहे हैं? स्टेरियोटाइपिंग कर रहे हैं, ये भी आप रूढ़िबद्ध कर रहे हैं। क्यों, क्या एक वीमेन अच्छी ड्राइवर नहीं हो सकती है? यू आर स्टेरियोटाइपिंग वीमेन। आप ऑल वीमेन कैटेगरी को क्या कर रहे हैं? स्टेरियोटाइपिंग कर रहे हैं। अगेन सेइंग दैट मैन आर स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं मैन का, कि यदि हम कहें कि आदमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आप किसको स्टेरियोटाइप कर रहे हैं? मैन को। तो क्लियर, अ स्टेरियोटाइप इज अ फिक्स्ड आइडिया और बिलीव अबाउट अ स्पेसिफिक ग्रुप। ग्रुप के लिए भी हो सकता है वो फिक्स्ड आइडिया, इंडिविजुअल के लिए भी, बट दैट इज बेस्ड ऑन प्रायर अजम्पशन। दिस इज स्टेरियोटाइपिंग। अगेन टेक वन एग्जाम्पल, यू हैव टू फाइनलिस्ट इन द मिस यूनिवर्स इवेंट। वन इज डार्क स्किन मॉडल एंड देन अदर इज अ फेयर स्किन वन। यू टेंड टू फेवर द फेयर स्किन फाइनलिस्ट। क्यों करेंगे आप? क्योंकि आपके माइंड में पहले से ही सेट है कि जो डार्क स्किन है वो सही नहीं है, जो फेयर स्किन है उसको ही फाइनलिस्ट आपने चूज कर लिया। तो ये आप क्या कर रहे हैं? स्टेरियोटाइपिंग कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज यू हैव जनरलाइज्ड आइडिया दैट फेयर स्किन इज बेटर देन डार्क स्किन। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने पहले से अपने माइंड में सेट किया हुआ है, लोगों ने ये पहले से ही अजम्पशन बनाई हुई है कि जो फेयर स्किन है वो बेटर है डार्क स्किन के कंपैरेटिवली। दिस वे स्टीरियोटाइपिंग प्रिवेंट्स अस फ्रॉम जजिंग करेक्टली एंड लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। यही कारण है जो हमारे स्टीरियोटाइपिंग है वो प्रिवेंट, रोकती है हमें जज करने में करेक्टली, और किसको बढ़ावा देती है? वो डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को। नेक्स्ट वी विल डिस्कस प्रिजुडिस। प्रिजुडिस मीन्स पूर्व धारणा। प्रिजुडिस लिटरेरी मीन्स प्री जजिंग समवन एंड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रायर अजम्पशन। मीन्स किसी को पहले से ही जज करना, और किस पर आधारित है? ये भी प्रायर अजम्पशन पर, इसकी पूर्व धारणा पर। हाउएवर अनलाइक स्टीरियोटाइप, प्रिजुडिस इज अ नेगेटिव ओपिनियन अबाउट पीपल एंड थिंग्स विदाउट नोइंग ऑल द फैक्ट्स। यहाँ तक कि जो स्टीरियोटाइपिंग की तरह प्रिजुडिस भी क्या है? एक नेगेटिव ओपिनियन है, एक नकारात्मक विचार है लोगों के बारे में, और बिना कुछ उसके बारे में जाने, उसके किसी भी फैक्ट्स के बारे में जाने बिना ही हम पहले से ही जो धारणा कर लेते हैं, दिस इज प्रिजुडिस। उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते लेकिन हमने पहले से अपने मन में धारणा बना ली, ये तो ऐसा होगा। दस प्रिजुडिस मीन्स टू जज समवन नेगेटिवली और सी हिम एज इन्फीरियर। इसका मतलब क्या हुआ? इस प्रकार प्रिजुडिस मीन्स क्या हुआ कि जज समवन, किसी को जज करना, उसके बारे में निर्णय ले लेना नेगेटिवली, नकारात्मक उसके बारे में सोचना, और उसको क्या देखना? इन्फीरियर के रूप में देखना, उसे नीचा ही देखना, उसे नीचा समझना। प्रिजुडिस कैन बी बेस्ड ऑन पीपल रिलीजियस बिलीफ, कलर और देयर स्किन, द रीजन दे केम फ्रॉम, द एसेंट दे स्पीक इन, जिस तरह के वो कपड़े पहनते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकता है प्रिजुडिस। लाइक स्टीरियोटाइपिंग की तरह उसके धार्मिक विश्वास के आधार पर, उसके स्किन के कलर पर, कलर कैसा है उसकी स्किन का, जिस रीजन से वो आए हैं, कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, किस तरह के वो कपड़े पहनते हैं, इवन देयर जेंडर, उनका लिंग के आधार पे कि बॉय एंड गर्ल। वी ऑफन बिकम सो जज द पीपल दे आर इन्फीरियर, बिना किसी जाने कई बार हम प्राय क्या कर लेते हैं कि कोई पर्सन हमारे घर में आया, उसके अगर कपड़े उसने ऐसे ही पहने हुए हैं फटे पुराने, तो कई बार हम जज कर लेते हैं कि हो सकता है ये ऐसे ही, उसके लिए पहले से ही धारणा बना लेते हैं कि ये गरीब होगा। जरूरी तो नहीं है ना वो गरीब ही हो। जस्ट टेक वन एग्जाम्पल ऑफ प्रिजुडिस। इमेजिन दैट यू आर अ नॉर्थ इंडियन। इमेजिन करना है, कल्पना ही करनी है सिर्फ, क्लासरूम में अगर आप बैठे हैं तो, कि आप नॉर्थ इंडियन हैं और एक न्यू स्टूडेंट साउथ इंडियन जो है आपकी क्लास को ज्वाइन कर लेता है, आपकी क्लास में आता है वो। द स्टूडेंट हैज़ अ डिफरेंट स्किन कलर। अब हर बच्चे का अलग अलग कलर होगा, अब जो साउथ इंडियन आएगा वो कैसा होगा? यू कैन इमेजिन हिज मैनरिज्म आर डिफरेंट टू। उसके मैनर भी कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। विल यू लाफ एट दैट स्टूडेंट एंड मिमिक हिम रूडली? क्या तुम उसके ऊपर हंसोगे या उसकी मिमिक्री करोगे? इफ़ यू डू सो यू विल बी शोइंग प्रिजुडिस। अगर आप इस तरह करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? प्रिजुडिस को शो कर रहे हैं, उसकी पूर्व धारणा कि ये बच्चा दिखने में अगर काला है तो उसकी कुछ मिमिक्री करें, आपसे थोड़ा तो वो डिफरेंट होगा ना, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसको शो कर रहे हैं? प्रिजुडिस को। लाइक स्टीरियोटाइप प्रिजुडिस ऑल्सो लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। लाइक स्टीरियोटाइप प्रिजुडिस ऑल्सो टर्न्स अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन। स्टीरियोटाइप भी क्या कर, स्टीरियोटाइपिंग की तरह प्रिजुडिस भी किसकी तरफ मोड़ दे रही है? अनफेयर ट्रीटमेंट, समान व्यवहार नहीं कर रहे एक व्यक्ति के साथ। सो वी शुड नॉट अलाउ प्रिजुडिस टू डेवलप इन अस। हमें हमारे अंदर प्रिजुडिस को डेवलप नहीं करना चाहिए।
थैंक यू।